काफी खराब रोड था, धूले तू 40 गांव, बट ऐसा है। टाकू पेट्रोल पेट्रोल नहीं है यहाँ पे। चल, ये मेरा भाई, छोटा भाई सदानंद। पेट्रोल तो इतना है, मैं भी जीरो पे ट्रिप कर दिया था, पेट्रोल इतना है कि मैं साखरी तक आराम से चला जाऊंगा। नहीं है, नहीं है बस। हाँ बरोबर है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसर। तो आज रक्षाबंधन है, सभी माता बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पेट्रोल डलवा लेते हैं, पहले पेट्रोल पंप पे तो नहीं था पेट्रोल। काय भाव आता कमी झाला ना, 740 रुपयाचा टाकून द्या। पहली बार इतना पेट्रोल गाड़ी में। तो 6 लीटर 840 ml। तो ये मेरा भाई है सदानंद भावसार, और ये हमारी बाइक की हालत, और ये चारों तरफ का नजारा देख लीजिए। ये अक्कलपाड़ा डैम है, तो चलो चलते हैं। किलोमीटर का हमारा जर्नी हुआ है। आज का थोड़ा सा लंबा टूर है, ज्यादा लंबा नहीं लेकिन मेरे लिए लंबा है। तो ये देख लीजिए अक्कलपाड़ा डैम। ओ ऐसा नहीं रास्ता, काफी खूबसूरत नजारा और काफी बड़ा डैम है। जब हमारे रिवर, हमारा जो डैम है ना, वो ओवरफ्लो हो जाएगा तब ये जाके जल्दी से भरेगा, क्योंकि पूरा पानी का जो सोर्स है ना, वो हमारे पांजरा रिवर से ही है। कई दिनों बाद इतना सुबह सुबह मैं राइड पे निकला हूँ। ओकेजन ही ऐसा है, रक्षाबंधन, तो हमारी दीदी के पास जा रहे हैं हम दोनों भाई। बहुत साल हो गए मैं गया नहीं हूँ, तो चलो अभी जा आते हैं। तो दोस्तों वेलकम टू धूले शहर। ये हमारा धूले डिस्ट्रिक्ट है। तो हमारी बाइक अभी 76 किलोमीटर चली है अभी तक, मतलब मेरे घर से धूले है 76 किलोमीटर। और काफी शांत है, सुबह सुबह में 8 बजे होंगे शायद,
और यहाँ पे मैं अभी पूछ लेता हूँ, मुझे भी पता नहीं यार मैं कौन से रास्ते पे आया हूँ। 40 गांव सीधा, तो यहाँ से सीधा जाएंगे तो आपको लगेगा 40 गांव, तहसीलदार कार्यालय धुले। बहुत दिन हो गए मुझे आने से, दिन भर काफी भीड़ रहती होगी धुले में, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट का शहर है। ये 12 पत्थर है ऐसा मुझे लगता है, अगर मैं करेक्ट हूँ तो कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दीजिए। ये 12 पत्थर इसे बोला जाता है शायद। अभी इस तरफ एक तरफ मालेगांव है शायद और एक तरफ धुले, सॉरी 40 गांव है। अभी किसी को पूछ लेते हैं। या 40 गांव ये रास्ता और वो मालेगांव जाता है। चलो धन्यवाद। वो रास्ते से जाएंगे तो मालेगांव, ये रास्ते से जाएंगे तो 40 गांव। और कोई अगर धुले से हो तो कमेंट में लिखिए कि ये हम कौन सा एरिया है, क्योंकि बहुत साल हो गए मुझे ना बाइक यहाँ तक लाते हुए। बाकी अगर आते हैं तो हम धुले में ही कहीं ना कहीं काम होता है हमारा, तो वहीं से चले जाते हैं। बाकी धुले तो बहुत बड़ा है। अभी मुझे लगता है ना 50 से 55 किलोमीटर बाकी है। सुबह सुबह यहाँ पे बारिश हुई है शायद। बहुत गैरेज है, बहुत दुकानें, दुकानें ही दुकानें। तो ये जो औरंगाबाद रोड है ना, हाँ यही ले जाएगा हमें 40 गांव तक। और औरंगाबाद में बहुत कुछ है देखने लायक, कभी जाएंगे फुर्सत में। तो दोस्तों ये जो बाइक दिख रही है आपको सामने, जो मुर्गी ले जा रहा है बंदा, काफी टेक्निक से बाइक चला रहा है इतनी ट्रैफिक में भी। तो मैंने सोचा कि चलो कैमरा ऑन कर लेते हैं और इसका बाइक चलाने का हुनर आपको भी दिखाते हैं। बस इसके इनाम थोड़ा पीछे पीछे ही रहेंगे। स्पीड तो कुछ नहीं 70 पे है, क्योंकि आज आगे पीछे गाड़ियां है। सदानंद ने कहा, मेरा भाई है, मेरे भाई का नाम है सदानंद, उसने कहा कि ये काफी अच्छे से बाइक चला रहा है, टैलेंट भरा पड़ा है हमारे धुले में। चलो अभी चलते हैं, बाकी वो अच्छे से बाइक चला रहा है इतनी ट्रैफिक में भी, अच्छे से मूव ऑन हो रहा है वो। जगुआर कंपनी की गाड़ी है थी गाड़ी म करने। दोस्तों जल्दी जल्दी में ये हो गया, एक जैगुआर कार दिखाई दी थी मुझे अभी रास्ते में, अभी आ रही होगी पीछे से, तो वो मुझे दिखाना था। तो मैं इसको कैमरे को थोड़ा सा शुरू करने के लिए उसको थोड़ा सा मोड़ा ना मैंने, तो यमसिल से है ना वो ग्रिप ही निकल गया, वो कैमरे का ग्रिप। तो अभी मेरा भाई गया है, अगर फेविक्विक
मिल गया तो फेविक्विक लगा के चिपकाएंगे, क्योंकि आगे 40 गांव का भी मोटो ब्लॉग बनाना है। तो बस ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है रास्ते पर। ये देखिए, ये जो गई सामने से, तो ये जगुआर कार थी दोस्तों, ये ब्लू कलर में दिख रहे ना, मेरा कैमरा नहीं दिख रहा है सही से। तो दोस्तों काफी खराब रोड था, धूले तू 40 गांव एकदम खराब रोड है। जैसा तैसे करके हम पहुंच गए। एक तो ट्रैफिक भी, रोड भी छोटा और बहुत खड्डे, बट ऐसा बहुत ज्यादा जल्दी कैसे डालो दिल डाल आता का बगीचा का नहीं तू आणि मोटरसायकल वाले घुसूनच राहिले त्याच्या मागे। दोस्तों 40 गाँव से जो भी है ना, सभी लोगों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी को मेरा मराठी में साष्टांग नमस्कार, साष्टांग दंडवत, क्योंकि आप 40 गाँव में रहते हो जहाँ पे मेरी बहन रहती है, मेरी बहन का ससुराल है। काफी रिस्पेक्ट और प्यार आप सभी लोगों के लिए, 40 गाँव वासियों के लिए। बाकी चलो 6:30 बजे से निकले थे घर पे, 2-2.5 घंटे का रास्ता था, लेकिन 3 घंटे तक लग गए होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं, आ गए पहुंच गए हम। और मैं कम से कम ना 8-9 सालों के बाद में आ रहा हूँ 40 गाँव में। अभी हमें जाना है घाट रोड, और काफी बड़ी सिटी है 40 गाँव, मतलब यहाँ पे आने के बाद में ना आगे घूमने के लिए बहुत कुछ है। औरंगाबाद जाओ आप, दौलताबाद जाओ, वेरूर जाओ, बहुत कुछ है घूमने के लिए। और यहाँ पे जाएंगे ना तो बस स्टॉप है, और मेरे पीछे अगर जाओगे इस साइड में तो रेलवे स्टेशन है 40 गाँव का, और ये एक घाट रोड है। बहुत साल हो गए मुझे, कम से कम 8-9 साल हो गए तब जाके आ रहा हूँ मैं 40 गाँव में, और बहुत दिनों से आना था मुझे, तो आज फाइनली हम है 40 गाँव में। और दिन भी कौन सा है, रक्षाबंधन। पहले बस स्टॉप से घाट रोड तक पैदल जाया करता था मैं, थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन देखते देखते सब दोनों तरफ की शॉप देखते देखते जाता था। मुझसे बड़ी है मेरी बहन, और जो मेरे साथ में है सदानंद, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये मेरे से छोटा है। ये गांव में से जाएंगे ना आप, हाँ ये छोटे रास्ते से जाएंगे तो भी आप शॉर्टकट में पहुंच सकते हो घाट रोड। बाकी हमारे पिंपलनेर से धूले तक रोड है ना, एकदम मक्खन रोड है, कम टाइम में अच्छे से पहुंच जाते हैं हम। बाकी मैंने एक्सपेक्ट किया था कि चालीस गांव तक अच्छा रोड होगा, बट अनफॉर्चुनेटली रोड अच्छा नहीं था। फिर भी हम पहुंच गए। यहाँ पे एक रूपाली थिएटर हुआ करता था, शायद थिएटर हुआ करता था, अभी थिएटर तो रहा नहीं, एक कॉम्प्लेक्स बन गया है, बहुत सालों पहले की बात है। रोड काफी छोटी लग रही है मुझे अभी ये। सी बिल्डिंग है ना, हाँ 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 हाँ। तो हम पहुंच गए यहाँ पे हमारी सिस्टर के घर।
तो ये है हमारा भांजा, यश नाम है इसका, यश। अरे सदानंद, तो हम अभी है चालीसगांव में। ये है चालीसगांव, इकड़े एमआईडीसी, कुठे एमआईडीसी, ते लाल लाल दिसते एमआईडीसी वहां पे है, पाटना देवी, यहाँ पे पाटना देवी है, अभी हम जाएंगे वहां पे। और घाट रोड जो औरंगाबाद को जाता है ना, कन्नड़ घाट, वो यही रोड है। काफी बड़ा शहर है,